मैं रोया हूँ पता, लिटरली मैं बताऊँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा, कि जब मतलब एक साल तक अगर किसी को तुम इतना ज़्यादा बोल दो कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे से नहीं होगा, ये बकवास चीज़ें छोड़ दे, कि फीडबैक निकल के आया कि मैं फेल हो गया। बंदा अगर मुझे मैसेज कर रहा है ना, तो वो ये पूछे कर रहा है कि मेरे दोस्त की आईडी हैक करवानी थी मुझे, ठीक है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक करवानी थी, तो ये काम हो सकता है? थोड़ा बाहर आ चुके हैं अब, हमें थोड़ा फील आ रहा है कि हम उत्तराखंड में इंटरव्यू ले रहे होंगे, वरना कमरे के अंदर मज़ा नहीं आता उत्तराखंड में होके भी अगर हम बाहर ना हो तो। आप अपना नाम बताइए एक तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, तो मैं भाई के व्यूअर्स को ये बता दूं कि मैं, मेरा नाम आकाश बडोला है और मैं बाय प्रोफेशन एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट और एक एथिकल हैकर हूं, और होम टाउन मेरा कोटद्वार। से पूछना चाहूंगा कि आप कुछ ये बताइए, कराए हटके वो सबके बताइए उसके बारे में। देखिए बेसिकली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो कोर्स मैंने किया है ना, वो कोर्स शायद से ही चंद लोगों ने किया होगा यहाँ पे, मे बी उत्तराखंड में कुछ लोगों ने ही किया है, और वो कोर्स है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग का। बेसिकली है क्या कि ये जो कोर्स है, ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में आया हो, ये पहले से आ रहा है चलते हुए। एक्चुअली मैं 2013 और 12 के आसपास साइबर सिक्योरिटी की अनाउंसमेंट हो गई थी इंडिया के अंदर कि मींस ऐसे ऐसे कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हो। अब जाके एक प्रायोरिटी मिली है कोविड के बाद, जब लोग सभी लोग ऑनलाइन ज़्यादा एक्टिव होने लगे और अपनी वेबसाइट्स पे काम ज़्यादा करने लगे, जितने भी बिजनेस वगैरह थे आपके, स्टार्टअप्स थे, सारे के सारे ऑनलाइन आने लगे, तो क्या हुआ कि साइबर सिक्योरिटी या फिर एक तरीके से कहूँ कि हैकिंग का खतरा जो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। तो लोगों को तब जाके ये चीज़ उनके माइंड में रियलाइज़ उनको हुई कि हाँ, ये जो जॉनरा है साइबर सिक्योरिटी का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों। तो अच्छा, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि आपने इस कोर्स को करने का कब सोचा, मीन्स आपने 8th, 9th, 10th, 11th, 12th कब सोचा कि मेरे को इस फील्ड में जाना है या ये कोर्स कर। देखो मैं आप लोगों को अब क्लियरली बताता हूँ, यहाँ पे कोई छुपाने वाली बातें तो हो नहीं रही है, बेसिकली इंटरव्यू है तो मैं क्लियर बातें करता हूँ यहाँ पे कि हुआ क्या था। कि देखो मैं एवरेज बच्चा भी नहीं था, मैं एक्चुअली में क्या था कि बोल सकते ना सो कॉल्ड की स्टूपिड टाइप का, कि पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है, है ना, तो क्या करेगा आगे चल के, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है। तो हुआ क्या कि एक्चुअली में मैं 10th के लास्ट में इस कोर्स के बारे में मैंने जब देखा इस चीज़ को कि यार ऐसा भी है कंप्यूटर फील्ड में, ऐसी ऐसी चीज़ें भी है करने के लिए, क्योंकि जस्ट क्या था जिस टाइम तक हमारे पास कंप्यूटर्स वगैरह या लैपटॉप डेस्कटॉप्स वगैरह होते थे, तो हम लोग क्या सोचते थे कि भाई गेम्स वगैरह हैं और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, यही सब चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो जब मैंने देखा कि इंटरनेट के अंदर की एक ऐसी दुनिया भी है साइबर सिक्योरिटी की, जो कि मतलब हम जिसको एक तरीके से कर सकते हैं एज अ बाय अ प्रोफेशन, इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, तो हुआ क्या कि 10th क्लास के लास्ट में मेरे को ये चीज़ पता लगी। और वो चीज़ इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा साइबर अटैक हुआ था, आई थिंक 2017 और 16 के अंदर। तो जब उस चीज़ के बारे में मुझे पता लगा, हैकिंग वर्ड तो पहले से था दिमाग में, लेकिन ये जो साइबर सिक्योरिटी का था, जब ये जिक्र वहाँ पे आया तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गया कि यार ये चीज़ मुझे पता कैसे नहीं लगी। मतलब मैं इतना कंप्यूटर एक्सपर्ट उस टाइम पे बन के फिरता रहता था कि मतलब मेरे को ये पता है कंप्यूटर के बारे में, ये पता है, ये चीज़ मेरे से छुपके कैसे रह गई मतलब। तो इसीलिए जब थोड़ी सी हुई क्रियोसिटी की ये एक नया फील्ड है, एक थोड़ा सा अलग जॉनर है, तो देन मैंने 10th क्लास के लास्ट में इस चीज़ के बारे में स्टडी की और ये कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, देन उसके बाद से चल ही रहा था एक। बिल्कुल, तो बेसिकली हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि जब हम पे पहले बार लैपटॉप या कंप्यूटर आया था तो हम सोचते थे कि अरे बहुत बढ़िया चीज़ आ गई, और कुछ और काम पता नहीं था उनका, मेन यही सोचते थे कि भाई कंप्यूटर आ गया तो गेम खेलना है, और उस टाइम पे यही चीज़ होती थी। लेकिन इसी को बोलता उस चीज़ पे उन्होंने देखा और उस चीज़ पे उन्होंने वर्क करा फिर कि हाँ भाई ये भी चीज़ कोई हो सकती है, कुछ बैक एंड में भी कोई चीज़ चल रही होगी, उस चीज़ पे इन्होंने काम करा और आज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। अब आप एक और क्वेश्चन बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आपने जो कंप्यूटर ली, ये कंप्यूटर करने के लिए आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया होगा, तो वो आपने 12th में सबके सब ये सोच के लेते हैं कंप्यूटर की हमें इंजीनियरिंग करनी है, तो क्या आपने भी वही सोच के लिया था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है? इंजीनियरिंग से तो कोई दूर दूर तक का रिश्ता ही नहीं था, कुछ नहीं था। बेसिकली हुआ क्या कि मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि मैं बुद्धू था एक टाइप का, जैसे बोलते ना कि स्कूल में सब यही बोलते थे कि पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, ये सब नहीं है। तो क्या है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, ऐसा तो नहीं था कि साइबर सिक्योरिटी का कोई अलग से सब्जेक्ट हो जो कि मैं आराम से चूज़ कर सकूँ, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं। मैथ्स जो था जो कि मुझे कंप्यूटर के डायरेक्शन में ईजिली आराम से एक टर्न दे सकता था, तो क्या हुआ कि मैथ्स मेरी थी नहीं अच्छी, तो इसीलिए मैं मैथ्स के फॉर्म से नहीं जा पाया, मैथ्स सब्जेक्ट को लेकर के नहीं जा पाया वहाँ तक। तो बेसिकली हुआ क्या कि लास्ट में मेरे पास ऑप्शन बचा बायो, मैंने कहा कि ये साइंस का लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्या है कि बाय एडिशनल भी अगर मेरे को कंप्यूटर सब्जेक्ट यहाँ से मिल जाता है तो मैं क्या है कि उस डायरेक्शन में भी अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मोड़ दूंगा।
बट हुआ क्या कि मेरे को, मैं 3 साल तक बस बोलता रहा कि मेरे को कंप्यूटर सब्जेक्ट चाहिए चाहिए, बट क्या हुआ लास्ट में मुझे नहीं मिला, लास्ट में मना कर दिया। तो इसीलिए क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी गई हाथ से। अब बायो इसीलिए ले रखी थी क्योंकि क्या है भी, मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट लेना था वहाँ से। ये नहीं था कि मुझे बायो का शौक होगा कि मुझे साइंस के इस फील्ड में या फिर जूलॉजी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद इसका भी एक ड्रॉबैक बहुत बेकार सामने आया कि मैं 12th में फेल हो गया था। बेसिकली क्या हुआ कि मैं 2 पढ़ाई एक साथ कर रहा था। खैर मैं स्कूल की पढ़ाई की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट साइड में रखे रहते थे और इधर की साइड मेरी एक कोडिंग्स पे ये सब चलता रहता था, लैपटॉप वगैरह। तो मैं क्या है, स्कूल की पढ़ाई पे मैंने ध्यान दिया ही नहीं बिल्कुल भी। तो क्या हुआ कि उसका ड्रॉप, मेरे को यही फीडबैक निकल के आया कि मैं फेल हो गया। बट क्या हुआ कि जैसे ही मैं फेल हुआ तो उसके बाद ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ खुली मेरे लिए। पता नहीं क्या हुआ कि कुछ होता है ना कि यार घर वालों का भी उसमें रोल होता है, घर वालों के भी जो हमारे लिए प्रेयर्स होती हैं और एक जो भगवान है उन पे भी विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि जैसे मैंने इसका एग्ज़ाम क्रैक किया साइबर सिक्योरिटी का, तो वो जो एग्ज़ाम था मेरा 94.5 आई थिंक परसेंट, इतने परसेंटेज से मैंने उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया। बाकी लोग भी शॉक हो गए कि यार ये कैसा एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। बाकी लोगों को तो ये हो गया था कि उनको पता भी नहीं था कि यार ये एग्ज़ाम एक्चुअली में है क्या, पर 95% कैसे आ गए इसके कि जो और बाकी स्कूलों के एग्ज़ाम्स में आ नहीं रहे थे इसके। तो वहीं से ये मेरा जो था ये टर्न वहाँ पे से मिला मेरे को। बिल्कुल, इसी को बोलते हैं कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसमें आप अगर पहले से अगर उस चीज़ में नहीं चल रहे हो लेकिन आप एंड में चलते चलते उस चीज़ में चले जाते हो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट होता है ना। तो यही आपके साथ हुआ मेरे ख्याल से कि आपने पहले ही आपको मिला नहीं रास्ता, फिर धीरे धीरे जब एक बार रास्ते खुलते गए तो उसके बाद फिर ऐसा है कि स्टेप बाय स्टेप अपॉर्चुनिटीज मतलब ग्रैब करता गया और सक्सेस मिलती गई। बिल्कुल, तो यही बोलते हैं जब आपने या आपके पेरेंट्स ने कुछ अच्छे काम करे होते हैं तो देखो ऊपर वाला अपने आप रास्ते खोलते चले जाता है और वो आपके साथ हो गया ना। बिल्कुल। अब मेरे को एक चीज बताइए आप कि जब आप इस कोर्स की तैयारी कर रहे थे ना, तो जितना मैं अभी आपके साथ समझ पाया हूँ कि ये कोर्स बेसिकली ऑनलाइन ही रहा होगा, आप किसी कॉलेज में नहीं गए होंगे, पूरा का पूरा जो जॉनर रहा था ये सारा ऑनलाइन ही था। ठीक है, तो जब आप ऑनलाइन घर में तैयारी कर रहे थे तो हम सबके साथ भी होता है कि अगर हम घर में बैठे रहते हैं तो बाहर वाले लोग, आस पड़ोसी, हम ना हमारे रिलेटिव्स, ये लोग भी बोलते हैं कि भाई घर में बैठा हुआ है लड़का कर क्या रहा है आखिर। तो इसमें आपके पेरेंट्स ने कैसा रिएक्ट करा, या आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में थे, उन्होंने बाहर के ये जो क्वेश्चन थे कि भाई बच्चा कर क्या रहा है बेसिकली, इनको कैसे हैंडल करा? तो इसमें तो क्या हुआ कि जब मैंने घर वालों को ये बोला कि मैंने ये नहीं बोला कि साइबर सिक्योरिटी का एग्जाम मेरे को क्रैक कर मैंने क्रैक कर लिया है और मैं अब ये साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करने जा रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला। मैंने जस्ट इतना बोला कि मैं इथिकल हैकिंग करने वाला हूँ। तो वो लोग भी शॉक हो गए, उन्होंने कहा कि यार हैकिंग, उन्होंने इथिकल नहीं सुना क्योंकि वो समझ नहीं आया वर्ड। लेकिन जो हैकिंग वर्ड था ना, वो वर्ड ऐसा था कि हर किसी को पता है कि भाई ये चोर चक्कों के पास ये वर्ड रहता है। काफी चाहूंगा रोकने के लिए, लेकिन हाँ जब भी हम ये सुनते हैं कि भाई हैकिंग हैकिंग हैकिंग, तो सबको यही समझ में आता है कि किसी के कुछ सामान चोरी कर रहे हो आप ऑनलाइन, है ना। तो सब यही समझते हैं कि आप हैकिंग का मतलब है कि आप ऑनलाइन कोई सामान चोरी कर रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि घर वालों को भी यार लगता ही था क्योंकि अब उनका जो घर का सबसे बड़ा लड़का है वो अगर ऐसी चीज में चला गया पहली उनके हिसाब से तो वो घबराएंगे एक टाइम के लिए। और क्या है कि आस पड़ोस वाले तो फिर, और उनको तो समझाना ही खतरनाक हो गया था कि मतलब भाई तू कर क्या रहा है एक्चुअली में, ऐसा है क्या ये चीज़ है। मतलब पहला जो साल था वो, मैं सही बताऊं, मैंने फर्स्ट ईयर जो अपना ये साइबर सिक्योरिटी के करियर में जब कदम रखा था तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मैं जितना ज़्यादा फोकस अपने करियर पे कर रहा था ना, उससे कई ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे कर रहा था कि किसी तरीके से मेरे घर वाले समझ जाए इस कोर्स को, और साथ ही साथ में क्या है कि आस पड़ोस के मेरे रिश्तेदार जितने थे वो समझ जाएँ, क्योंकि हर कोई घर पर आके बोल रहा था आपका लड़का क्या कर रहा है, हैकिंग कर रहा है, हैकिंग तो चोरी होती है। ठीक है, यही सब चीज़ें चलती रही और साथ ही इसी, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि इसी हॉच पॉच के अंदर मैं बस करता गया इन चीज़ों पर। कई बार आपको समझाना मुश्किल हो जाता है लेकिन जब एक बार आप किसी चीज़ में पहुंच जाते हैं तब लोग आपको पूछना ही बंद कर देते हैं, है ना। तो अब ये हो गया होगा कि अब लोग पूछना ही बंद कर देते हैं क्योंकि जब लोगों को अपने आप पता चलने लग जाता है भाई अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो दुनिया को दिखेगा वो जरूर, है ना। कुछ टाइम बाद दिखेगा, कुछ टाइम उसमें लग सकता है लेकिन वो दिखता जरूर है। तो उसके बाद सबको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये कुछ अच्छा ही काम कर रहा था। अब मेरा चैनल भी है तो हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए कि क्या करते हैं आप उस यूट्यूब चैनल में, कैसे सोचा आपने? तो देखो यार, जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्काई सिक्योरिटी के नाम से, वो नाम भी मैंने अपना खुद का जो मेरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्काई सिक्योरिटी, बेसिकली उसमें क्या करता हूँ मैं कि प्राइवेट फंड्स हो गई या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जितनी भी हो गई, तो इनको वहाँ से मैं साइबर
सिक्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ उनकी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए। तो क्या है कि जब मेरा प्रोफेशन ही स्काई सिक्योरिटी के नाम से स्टार्ट हुआ है पूरा, तो क्या किया कि मैंने उसी के नाम से यूट्यूब चैनल भी खोल दिया। बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा उसमें वीडियोज़ बनाऊंगा। वो सारा का सारा एक बोलते ना कि किसी ने अगर मेरे को पुश दिया पीछे से यहाँ पे से, कि वो थे मेरे भैया थे, उनका नाम है रुपेश और एक भैया है मेरे गौरव भैया। तो इन दोनों ने क्या किया कि मेरे को पुश दिया कि तू भाई यूट्यूब चैनल भी खोल ले, जब तेरा इस चीज़ में इस एरा में तेरा फील्ड है पूरा, मतलब इस चीज़ में तू कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में, तो क्यों ना तू लोगों को समझाते भी रहे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। एक अवेयरनेस वो भी हो जाएगी कि लोग अगर देखेंगे थोड़ा समझेंगे इस चीज़ के बारे में, बाहर के भी नहीं तो आस पड़ोस के लोग तो देखेंगे कम से कम, है ना। तो उन चीज़ों ने उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पुश दिया। लोग क्या कर रहे हैं कि बोलते हैं ना कि यार तुम अगर किसी फील्ड में जा रखे हो तो हमेशा तुम्हें एक पॉजिटिव फीडबैक देते हैं कि भाई करते रहे तू, बस लगा रहे अपने काम पे। तो इन सभी को थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को थैंक यू कि आप सब ने एक ऐसे मोटिवेशन दिया उनको कि वो अच्छा काम कर सके, है ना, और अब वो स्टार्ट कर पाए हैं अपना ये सारा चीज़ें, यूट्यूब चैनल, ये सारी चीज़ें मैनेज करना भी बहुत एक अपने आप में एक हेडेक का काम होता है, लेकिन वो सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं और बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। देखिए एक चीज़ और बता दूं कि देखो शेड्यूल होता है ना, अगर आप शेड्यूल वाइज चलोगे तो आप हर चीज़ मैनेज कर लोगे। बिल्कुल, अगर हमारे साथ 10th 11th 12th के बच्चे देख रहे होंगे तो आप लोग भी अपना शेड्यूल बनाइए, है ना, उसके हिसाब से पढ़ाई करिए। वो भी आप भाई जो काम आप कर रहे हो आपको शेड्यूल के हिसाब से करना पड़ेगा। आप पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, शेड्यूल के हिसाब से करोगे तो ही अच्छा चलेगा। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, आपके अकॉर्डिंग अगर कोई इस फील्ड में आना चाह रहा है आज के टाइम पे, तो वो कितना अर्न कर सकता है, मतलब इसमें कितना पोटेंशियल है कि वो कितने लेवल तक अर्न कर सकता है कि हाँ एक लेवल है यहाँ तक वो अर्न कर सकता है। देखिए आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ये IoT डिवाइसेज होते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तो जितना ज़्यादा ये डेवलप होंगे, जितना ज़्यादा इनका इनकम का रेशियो बढ़ेगा इंडिया के अंदर, उतना ही ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी का भी बढ़ेगा। ऑब्वियस बात है कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनलाइन आपको ऑनलाइन सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होगी। तो इसमें अर्निंग का मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो फेजेज हैं, आप दो फेजेज से अर्निंग कर सकते हो। एक तो है कि किसी के नीचे काम करके, मीन्स कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो तब तो आपको ऐसा है कि जो सैलरी आपको इसमें मिलेगी वो एक फिक्स दायरे में मिलेगी। और उसमें ये भी होता है ऐसे नहीं कि वो सैलरी फिक्स आपकी उतनी रहेगी, चाहे आप प्राइवेट में करो चाहे गवर्नमेंट में करो, आपकी जो आपके उसके स्किल्स के हिसाब से आपको क्या है कि आपको प्रमोशन मिलेगा। तो आप लोग क्या है कि थोड़ा सा इंक्रीज करते रहोगे डे बाय डे और आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। जो सेकंड जॉनरा है वो है आपका बिजनेस जॉनरा। वो एक्चुअली में क्या होता है कि बिजनेस में तो आप देखो कितना भी कमा सकते हो, लाखों करोड़ों कितना भी कमा सकते हो, तो इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत अच्छा है, तो आ सकते हो आप लोग इसमें। अच्छा एक और चीज़ मैं देखता था आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कि आप स्कूलों में जाके या कॉलेजों में ये अवेयरनेस प्रोजेक्ट एक रन करते थे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो क्या सोच के आपने ये स्टार्ट करा और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इसमें आई कि आप स्कूलों में गए, कुछ प्रिंसिपल्स ने मिलने नहीं दिया या किसी स्कूल ने आपको अंदर नहीं आने दिया, ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आप? देखिए प्रॉब्लम्स तो आई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रॉब्लम्स आई हैं इसमें। मैं बेसिकली मेरा काम ये था कि देखो मैं तो अपडेटेड हूँ इस चीज़ में, मेरा तो काम ही ये, मुझे प्रॉपरली अपडेट रहना पड़ता है किस तरीके से सिक्योर रहें। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि कोई अगला बंदा अगर मुझे मैसेज कर रहा है ना, तो वो ये पूछ के कर रहा है कि मेरे दोस्त की आईडी हैक करवानी थी मुझे, ठीक है, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड की आईडी हैक करवानी थी, तो ये काम हो सकता है। तो देखिए ये है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को पता नहीं है इस फील्ड के बारे में कि बस उन्होंने हैकिंग सुन लिया तो मतलब ये हैकर है, ये आपकी आईडीज वगैरह हैक करके आपको दे देगा। पहला तो मेरे अंदर ये था कि यार लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी है, और वो क्या है कि आजकल बुज़ुर्ग और हमारे जैसे फादर्स लोग होते हैं, इनके समझ में थोड़ा सा लेट आएगी, लेकिन क्या होता है कि आज की डेट में बच्चे जो हैं, जो एजुकेटेड हैं और जो अभी सीख रहे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनको अगर पहले ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर कर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि कल चल के आप कोई भी जॉब कर लो, आपको भाई साइबर सिक्योरिटी, जब तक आप इंटरनेट के अंदर हो तब तक आपको भाई अपनी सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा मोटिव भी यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जा कर के मैं बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू उनको अवेयर कर सकूँ इस चीज़ में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेट कर सकूँ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। और बेसिकली जैसा कि आपने बोला कि काफ़ी स्कूलों से आपको मना किया या फिर कुछ हुआ, दो तीन स्कूलों में मेरे को मना भी किया गया कि ऐसा कुछ नहीं करवाना, छोड़ो रहने दो, वो चलो अब हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है, वो तो अब उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आज नहीं तो कल उनको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, और हर किसी को पढ़ने वाली है। इसीलिए मैं ये हमेशा आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि नहीं भी तो कम से कम हफ्ते में आप लोगों को एक से दो अपडेट्स तो देख ही लेने चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी के जॉनरा में आखिर हो क्या रहा है,
उससे आप लोग भी सिक्योर रहोगे और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सिक्योर रहेगी इंटरनेट के अंदर। तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है कई बार ऐसे कि जो नए नए स्टार्टअप होते हैं या नए नए बच्चे हैं, हम जैसे बच्चे हैं, हम कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं और इतने बढ़िया करते हैं कि मना कर देते हैं डायरेक्टली। इसकी वैल्यू करना आपको स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मानो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़्यादातर हमारी एज के ही हैं बच्चे, वो कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, वो अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप क्या उन्हें सजेस्ट करोगे कि हाँ ये वाला कोर्स करो, इसमें अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा है, अगर आप मेहनत करना चाहते हो ना। तो बेसिकली मेन तो यही है कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो तभी आप इस फील्ड में आओ, लेकिन आप क्या सजेस्ट करोगे इस बात? देखिए, मैं जिस स्कूलों में अब तक गया हूँ या फिर ऑनलाइन सिनेरियोज मैंने मतलब जितने समझाए हैं, मैंने जितने भी क्लासेस वगैरह ली हैं, तो वहाँ पे मैं एट दी एंड यही बताता हूँ बच्चों को कि आप लोग इस करियर पे भी मतलब अपना एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये करियर एंडलेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया आगे आने वाले टाइम पे। तो क्या हुआ कि लास्ट में मैं हर स्कूलों में या फिर हर एक ऑनलाइन सेशन में मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों को इस फील्ड में आने का, देखो एक तो अच्छा आपका अर्निंग है, रेवेन्यू अच्छी जनरेट होती है इसमें। सेकंड थिंग ये है कि आपको इस फील्ड में जब कदम रखोगे ना आप, तो बिगनर्स लेवल का या फिर बेसिक लेवल्स की इथिकल हैकिंग के बारे में सीखना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल्स करने होंगे, देन उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो आपको वो कंप्लीट करने के बाद, बेसिक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पे होती है एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। स्पेशल ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप लोग आराम से क्या है कि आपने जितना सीखा है वो सब आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, देन उसके बाद आप फर्दर नॉलेज ले सकते हो, जो कि बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के एडवांस कोर्सेज करवाते हैं। अब तो 10 तरीके के आ गए, लेकिन मैं आपको कंसिडर करूँगा जहाँ से मैंने किया है वो है ईसी काउंसिल से। ईसी काउंसिल आपको मतलब एक स्टेप बाय स्टेप देता है पूरा जॉनर की, मतलब आपको पहले ये करना पड़ेगा, देन आपको उसके बाद ये करना पड़ेगा। वो आपको दिखाता भी रहेगा कि आप किस किस अपॉर्चुनिटी लेवल के आप हो चुके हो, कि मतलब आप अब ये कर सकते हो, इससे भी अप लेवल का आप कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि आप लोग ईसी काउंसिल की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे जाकर के आप लोग इस चीज़ के बारे में सर्च करो, आपको ऑटोमेटिकली 10 तरीके की चीज़ें दिख जाएंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फ्यूचर में बताइए कि आपके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ मोटिवेशनल वर्ड उन्हें देना चाहते हैं। अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि इंडिया को रिप्रेजेंट करो साइबर सिक्योरिटी के बेसिस पे या फिर उत्तराखंड को ही करो, तो ऑफकोर्स मैं करूँगा इस चीज़ में। और मेरा ये मानना है कि देखो, सेकंड चीज़ मेरी ये है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, और जो आजकल के बच्चे हैं जो कि मतलब टेक्निकल हैं, जो बच्चे जो कि जिनको पता है कि क्या क्या होती है टेक्नोलॉजी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना चाह रहा हूँ इस फील्ड में, कि मतलब चाहे वो फ्री करना पड़े मुझे कोई बात नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ में अवेयर रहें, कि मतलब आगे आने वाले टाइम पे हमारे फ्यूचर में जितने भी हमारा जो आने वाला नया जनरेशन है उसको कभी भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। आप करियर कोई भी चूज़ कर लो, वो आप पे डिपेंड है, कि क्योंकि करना आपको है, आप किसी अगले की राय पे मत करना या फिर मेरी राय पे। ऐसे नहीं कि मैं आप लोगों को फोर्स कर रहा हूँ कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग ही सीखो, ऐसा कभी मत सोचना। आपको जो ठीक लगे, सबसे पहले क्या करना है कि देखो, आफ्टर 10th 12th आप ये मत सोचना कि आप चलो भाई कॉलेज करते हैं, कोर्स करेंगे। उसके बाद एक प्लानिंग करो अपनी कि आपको करना क्या है। सब चीज़ को एक बार आप डिस्कवर करो, मतलब एक बार ढंग से देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस फील्ड में, जो फील्ड आपको सुटेबल लगता है उस फील्ड में जा कर के अपना इतना है कि आगे की जर्नी स्टार्ट करो। कभी भी क्या करना कि अगले आदमी के बोलने पे अपनी जर्नी को स्टार्ट मत करना, क्योंकि ऐसा है अगला सिर्फ बोल के रख देगा, आगे आने वाले टाइम पे क्या है उसकी गारंटी वो नहीं लेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी किसी के मतलब हर कोई आज की डेट में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि जो डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं। अब डीमोटिवेशन के टाइम पे ऐसा होता है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि छोड़ यार क्यों कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। भाई मेरे को जितनी डीमोटिवेशन मिली होगी ना, मैं रोया हूँ पता, लिटरली मैं बताऊँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा, कि जब मतलब एक साल तक अगर किसी को तुम इतना ज़्यादा बोल दो कि भाई तू क्या कर रहा है, तेरे से नहीं होगा, ये बकवास चीज़ें छोड़ दे, तो हो गई ना अंदर से मैं डीमोटिवेट होता था। पर किसी ना किसी तरह अपने को स्ट्रांग कर लो, अपने घर वालों को सोच लो कि भाई उनका फ्यूचर भी अब तुम्हारे हाथ में आने वाले टाइम पे, इसीलिए जितना ज़्यादा अपने आप को तुम स्ट्रांग बना सकते हो ना अंदर से, वो बस अपने आप को बना के रखो। और एट द लास्ट में यही सब कहना चाह रहा था आप लोगों से, और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है कि यार इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, अगर आप लोगों की विल पावर और साथ ही साथ में आप लोगों ने अगर सोच लिया है ना, कन्फर्म कर लिया कि यही करना है, तो कोई करने से रोक नहीं सकता आप लोगों को। हम भी यही चाहेंगे कि देखो हमारे उत्तराखंड से इतना अच्छा टैलेंट निखर के आ रहा है ना, तो मैं भी यही कहना चाहूँगा कि
हम तो प्रे करेंगे कि आप उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करो, बिल्कुल करो, है ना। और उत्तराखंड को क्या, पूरे ऑल इंडिया को आप रिप्रेजेंट करो एक दिन, हमारा तो यही रहेगा आपके लिए। और होप आप लोग भी जो देख रहे होंगे, आप लोग भी, भाई देखो क्या होता है, आपके उत्तराखंड से कोई निकल के आ रहा है तो आपको उसे मोटिवेट करना पड़ेगा आगे, है ना। आप जब तक उनको मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो और अच्छा नहीं कर पाएंगे। अगर आप उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करोगे वो और ज़्यादा कल को अच्छा करेंगे, कल को आप ही को खुशी होगी, आपको भी खुशी होगी कि हाँ उत्तराखंड से कोई इतना अच्छा निकल के आया है, इतनी बड़ी बड़ी जगह चले गए, वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम बात नहीं होती अगर आप उत्तराखंड या इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बहुत बड़ी बात होती है वो एक चीज़। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप एक दिन जरूर करो, हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाओ, ताकि वो सब भी अप्रिशिएट करें। और आप सब भी एक बार अप्रिशिएट जरूर करना आकाश को, ताकि उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगे कि हाँ भाई उत्तराखंड में मेरे को लोग और ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो और ज़्यादा अच्छा करें। थैंक यू सो मच भाई आपका, बिल्कुल हमारा तो हमेशा रहेगा आपके साथ। मैं चाह रहा हूं कि भाई के सभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ये ऐसे ही सारे के सारे टैलेंट्स को, जितने भी टैलेंट निकल के आ रहे हैं, ये सभी उन टैलेंट को सामने लाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे किस किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि सामने किसी की चीजों को लाना, उसको रिप्रेजेंट करना। तो भाई के लिए हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच आपके लिए, आपके लिए। आप लोग कर रहे हो अच्छा काम कर रहे हो, हमें बहुत खुशी होती है और हम भी यही चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा करें और एक दिन जरूर, आपने जैसे बोला, आप बिल्कुल इंडिया को रिप्रेजेंट करें। मेरे तो यही प्रे आपके लिए कि आप एक दिन पक्का जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करो, ताकि मेरे को भी खुशी हुई कि हाँ पहली वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी और जो मैंने बोला था वो आपने कराया, है ना। तो ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी सेफ।